हेलो दोस्तों, ये जो है इस लेसन का आखिरी वीडियो है। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले हम लोगों ने इसी सेकंड क्वेश्चन के पहले दो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे, पहले दो सब पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधा सॉल्विंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को ले लेते हैं ए, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा ए का स्क्वायर माइनस एट इंटू ए प्लस एट इज माइनस 64। अभी देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एट ए माइनस 64 माइनस 64। ये एट जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर मतलब इक्वेशन बन गई कुछ इस तरीके से, जिसको अब हम इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि -128 के ऐसे कौन से हैं नंबर्स जो एट आंसर बन सकते हैं प्लस करने के बाद। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं हम लोग, तो देखो टू से करता हूँ तो 64, टू से करता हूँ तो 32, इसके बाद में अब ये तो आपको मालूम ही है कि ये ऐसे ही चलता जाएगा। 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हर बार 2, 2, 2, 2 इतनी बार आया है। अभी इसमें से देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 16 माइनस 8 तो डेफिनेटली है, तो आंसर है ए स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस 8 प्लस 8 ए माइनस 128। तो देखो ए माइनस 16 और यहाँ से 8 कॉमन निकलेगा, तो आंसर आएगा ए माइनस 16। सो कॉमन ब्रैकेट है ए माइनस 16 और दूसरा ब्रैकेट है ए प्लस 8। ये तो हो गया आंसर, लेकिन इसके आगे भी तो है। ए की जगह पे वापस हम लोग जो वैल्यू ली थी वो वापस प्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अभी इनको भी सॉल्व करते हैं अलग तरीके से। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, और ये जो है इसको हम लोग इससे सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। मैंने स्प्लिट करके दिखाया, ये देखो इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो +8 आंसर आता है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो -6 आता है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, दोनों नंबर्स का एडिशन -6 और मल्टीप्लीकेशन -16 होता है। सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर, और हमारे चार ब्रैकेट्स पता करते हैं। तो दोनों में से कॉमन निकालना है अभी, तो पहले आएगा एक्स माइनस एट, इसका मतलब दूसरा ब्रैकेट भी एक्स माइनस एट है, बाहर आएगा टू। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करते हैं, अब चलिए बाहर आएगा एक्स तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स माइनस फोर, यहाँ पर भी एक्स माइनस फोर रहना चाहिए, -2 है तो -2 बाहर होगा। चलिए अब ये दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, पहला ब्रैकेट एक्स माइनस एट और दूसरा ब्रैकेट एक्स प्लस टू। यहाँ पे सॉरी कलर चेंज था, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू। तो ये देखिए ये है हमारे चार ब्रैकेट्स। इस तरीके से हमें इसके अंदर डबल ट्रिपल फैक्टराइजेशन करना है, दो बार फैक्टराइजेशन करना है तब जाके आंसर आता है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करें और आंसर पता करें हमेशा। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। अब सेम जो मेथड हम लोगों ने वहाँ पे किया है यहाँ पर भी हम लोग वही सेम यूज़ कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर दिस एज ए, तो यहाँ पे भी ए लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 5 -35। ये -35 जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसको हमें फैक्टराइजेशन में कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर कुछ भी कर रहे, वैसे भी तो दो ब्रैकेट दिए हुए तो उसमें सॉल्विंग करके आंसर निकालो, ऐसा नहीं है। -35 ब्रैकेट में नहीं था इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में इंक्लूड करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, पहला ए प्लस 5 के साथ में और 3 भी ए प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -35 बाहर रुका हुआ है अभी भी, आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 3 ए प्लस 15 -35। अब करते हैं हम लोग सॉल्विंग, ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 20, ये है हमारा सॉल्विंग। लेट्स स्प्लिट दिस, ए स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस 2 ए प्लस 20। स्प्लिटिंग बहुत ही ईजी लग रही है अब, ए प्लस
सॉरी यहाँ पे +20 लिख दिया मैंने गलती से, -20 होगा, बहुत ऐसी गड़बड़ होती है। देखो a+10, तो यहाँ पर भी a+10 ही आना चाहिए, और यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है इसलिए -2 कॉमन निकाल लो, a+10 और a-2, ये दो ब्रैकेट्स हैं भाई। इसको आगे अभी वापस सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर क्या किया था, किसको ए कंसीडर किया था हमने, ये हमें ध्यान देना है। हमने किसको ए को कंसीडर किया था, वो था हमारा x2 - 2x को। तो पहला ब्रैकेट जो था वो था हमारा a+10 और a-2, तो दोनों की जगह पे, ए की जगह पे x2 - 2x वापस डाल दिया गया। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, इसको इस पेन से, येलो पेन से, ठीक है। अब 10 आना चाहिए आंसर, तो x2 और क्या हो सकता है, 10 लाने के लिए हमारे पास में और कोई आंसर है क्या? बहुत ही मुश्किल है, कोशिश करनी पड़ेगी हमें इसका आंसर लाने की। x2 - 2x + 10, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो आगे की सॉल्विंग है वो करनी नहीं है हमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे देखते तो आंसर है x2 - 2x + 10 और x2 - 2x - 2, तो विच मीन्स हम लोग इसको यही तक रख रहे, इसको आगे सॉल्विंग नहीं कर रहे इसकी, ठीक है, बिकॉज ये वैसे भी स्प्लिट नहीं होने वाला, आंसर इसका आता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सब कुछ पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि भाई सही आंसर आता है या नहीं, ठीक है। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट्स के जो लास्ट टर्म है ना, इनको देखते हैं पहले हम लोग, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 2 - 3 लास्ट टर्म्स, आंसर कितना आता है -1, और 8 + 3 को करूँगा तो आंसर आता है 11। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इंटरचेंज कर लेते हैं इनको, 2 और 3 एक साथ ले लेते हैं, और ये जो -3 वाले जो ये दोनों ब्रैकेट्स है ये साथ में लेते हैं, ताकि ये जो नंबर्स है, ये जो प्लस माइनस का जो आपको ट्रिक बताया मैंने, वो सेम हो जाए। तो भाई यहाँ पे आएगा y+2 के साथ में y+3, और ये जो y-3 है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए y+8 के साथ, ठीक है। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर हमारी जो रेगुलर स्टेप है सब्स्टिट्यूट करने की, इनकी जगह पर ए डालने की या एक्स डालने की, वो काम करते हैं। तो सबसे पहले जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा y²+3y+2y+6 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा y²+8y-3y-24+56। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर, 5y-+6, और ये होगा y²+5y-24, और यहाँ पे +56 एज इट इज। अभी देखो ये y²+5y ही आया, मतलब फायदा हुआ हमारा, वो इंटरचेंज किए ना हमने ब्रैकेट, इसका मतलब हमारा उसमें फायदा हो गया। इसकी जगह पर a ले लेते हैं भाई, a+6, और भाई दूसरा होगा a-24, और ये पीछे 56 एज इट इज है अभी भी। इसको आगे करते हैं अब सॉल्व, और देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। ए के साथ a-24, 6 के साथ भी a-24, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, और 56 एज इट इज़ रह रहा है। ये आएगा a²-24a+6a-, अभी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें और चेक करना पड़ेगा आंसर कितना आता है। 6 4 होता है 24 2 144 + 56, अब ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा a²-18a-, अब 56 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, आई थिंक 88 आना चाहिए, ओके मैंने चेक नहीं किया, बट यू कैन चेक दैट ऑलवेज, 8 13, यस राइट आंसर है, ठीक है। तो 88 आ चुका है, और अब हमें पता करना है कि 18 और 88 ये कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। तो 88 जो है वो होता है 2 के टेबल से 44, 2 के टेबल से 22, और 2 के टेबल से 11, और ये आ जाता है 11। 22 - 4
फोर होता है 18, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 22 ए प्लस 4 ए माइनस 88। तो देखो आंसर आएगा ए माइनस 22, और दूसरा होगा 4 के साथ में ए माइनस 22, दो ब्रैकेट ए माइनस 22 और दूसरा ब्रैकेट है ए प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको और भी करना है आगे। क्या करना है, क्या लिया था हमने, ए ए कंसीडर किया था वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई। चलो इसको डाल देते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं आपका ग्रीन कलर में वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 22, और दूसरा था हमारा वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइन प्लस 4 वाई। ठीक है, अब ये आगे स्प्लिट नहीं होने वाला, क्योंकि 5 वाई जो है वो 22 और 5 वाई कोई रिलेशन ही नहीं है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं, जहाँ पे है हमारा आई थिंक 6th क्वेश्चन वी वर डूइंग। दो ही क्वेश्चन बचे हैं, दो क्वेश्चन फटाफट खत्म करके लेसन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई। अब तो ये आपको भी पता है कि हम लोग इसकी जगह पे ए कंसिडर करने वाले थे, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 2 माइनस 24। देखो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 24। तो इसको हमको सीधे सीधे स्प्लिट करना है, जो कि आपको भी पता है हम लोग स्प्लिटिंग करने वाले हैं, 24 की स्प्लिट करने वाले हैं। 24 कब आता है, तो 12 2 6 2 3 3 1, 6 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 4 ए माइनस 24। अब देखिए ए माइनस 6 होगा और यहाँ पर होगा 4 वापस ए माइनस 6, तो आंसर आया ए माइनस 6 और दूसरा आया ए प्लस 4। ओके, अब क्या है, अब सीधे सीधे वैल्यूज डाल दो भाई, वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 6 और वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 4। अब शायद ये स्प्लिट भी होता है, स्प्लिट होता है तो देखते हैं हम लोग स्प्लिट हो सकता है या नहीं। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, यहाँ पे हो सकता है शायद 6 वाई माइनस 1 वाई माइनस 6, और यहाँ पर 4 वाई, हाँ ये स्प्लिट होगा। तो हम लोग स्प्लिट अगर होता है तो स्प्लिट करना है, चलिए सबसे पहले इसको ग्रीन में करते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस वाई माइनस 6, और इसको करते हैं येलो में वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस वाई प्लस 4। चलिए इसकी फर्दर सॉल्विंग के लिए हम लोग इसको स्क्रोल डाउन कर देते हैं और फाइनल आंसर पता करते हैं कुछ इस तरीके से। ओहो ये तो ग्रीन में था, वाई प्लस 6 माइनस 1 वाई प्लस 6, देखिए कुछ कॉमन नहीं था इसलिए माइनस 1 ले लिया। तो ये देखिए ये पहले दो ब्रैकेट्स आ गए, दूसरे दो ब्रैकेट्स के लिए यहाँ की सॉल्विंग वाई वाई प्लस 4 और यहाँ पे 1 वाई प्लस 4, यहाँ पे आएगा वाई प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट था वाई प्लस 4। तो ये देखिए ये आ गए चार, चारों के चारों ब्रैकेट्स। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, जो अटेम्प्ट करने वाले हम लोग, जो आपके सामने नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट भी कर देता हूँ। ओके, देखा जाए ना तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि तीन ही ब्रैकेट है लेकिन बीच में स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग हमेशा ऐसे लिखे, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 को दो बार लिख लेते हैं, ठीक है, और -4 -4 ऐड होके होता है -8, -5 और -3 ऐड होके होता है -8। तो भाई ये ब्रैकेट समझ गए आपको कौन से मल्टीप्लाई करने हैं, ब्रैकेट है ये दोनों, इनको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इजीली, -3 और -5 साथ में आने वाले, और -4 -4 जो है वो अपना अपना साथ में ही जो भी आंसर निकालेंगे। -6 अभी भी बाहर है याद रखो। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 15, पहला ब्रैकेट इन दोनों का, और दूसरा ब्रैकेट होगा एक्स स्क्वायर माइनस, सीधे सीधे लिख देता हूँ मैं, -8 एक्स प्लस 16। ठीक है, क्योंकि
मैंने फॉर्मूले के हिसाब से कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और उसी के हिसाब से सॉल्विंग कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्विंग की हुई है इसकी। एक्स स्क्वायर, एक कलर का बहुत झंझट होता है भाई, कलर ले लेते हैं वापस। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और माइनस 6, दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 8x है जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे ए, ए प्लस 15, और दूसरा है भाई ए प्लस 16 और फिर माइनस 6। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे सीधे कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये होगा ए प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई, और 15 भी होगा ए प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई। माइनस 6 अभी भी बाहर है, सॉल्व करते समय आएगा ए स्क्वायर प्लस 16 ए प्लस 15 ए प्लस 15 इंटू 16। अब ये कितना होगा, ये होना चाहिए 210। ठीक है 210 शायद, नहीं 210 नहीं होगा, ये होना चाहिए कितना, 90 प्लस 150, 240 होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दिस वुड बी 240। इसके साथ माइनस 6 आ चुका है, ये होगा 31 ए एंड दिस वुड बी 234। ओके बहुत ही ऑड नंबर है बट लेट इट बी। अभी इसको ढूंढना तो पड़ेगा हमें, 117, ये जो है 117 आई थिंक 3 के टेबल से होता है डिवाइड, डेफिनेटली होता है, ये होता है 39, 3 के टेबल से होता है, ये आता है 13 और 13 वन ज़ा 13। 13 प्लस 18 कितना होता है, आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 ए प्लस 18 ए होता है 31, जो कि मैंने यहाँ से कर लिया, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया था, ये हो जाता था 18 और ये अकेला बचता है 13, इनको प्लस करोगे तो आंसर आता है 31, और ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी 234 होता ही है। सो लेट इट बी, लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। तो भाई आपके ब्रैकेट से ए प्लस 13 और डेफिनेटली ए प्लस 13, 18 बाहर आएगा, ए प्लस 18। ये हैं हमारे सारे ब्रैकेट्स जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आगे। और क्या हम लोगों ने कंसीडर किया था कि किसकी जगह पे लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स की जगह पे हमें ए लेना था, तो यहाँ पे लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 13 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 18। ठीक है, तो आई थिंक ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें। सो ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे हम लोग, और कोई डाउट्स हो या कोई स्पेशल टॉपिक हो जो आपको नहीं समझा हो, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना हो तो डेफिनेटली बताएं, हम लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो अपलोड डेफिनेटली कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।